गाइस ग्रीटिंग्स टू ऑल। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है इस चैप्टर सेकंड का, काफ़ी छोटा पार्ट है। अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर जो है सेकंड चैप्टर जो है हमारा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर, इसके अंदर हम लोगों ने मर्केंटलिज्म पढ़ लिया था, ट्रेड वॉर पढ़ लिया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया में किस तरीके से आई थी, ट्रेडर के रूप में आई थी, किस तरीके से उन्होंने पॉलिटिकल कंट्रोल जो है हासिल किया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन्होंने भी किस तरीके से ट्रेडिंग पोस्ट इस्टेब्लिश की, फिर दोनों के बीच में जो राइवलरीज हुई एंग्लो फ्रेंच राइवलरी उसके बारे में पढ़ा, फिर जो ब्रिटिश जो लोग थे उन्होंने किस तरीके से नए नए टेरिटरीज के ऊपर एक्विजिशन किया या उसके लिए कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई उसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ था ब्रिटिश का, उसके लिए इन्होंने क्या करा कि जो टेरिटरीज है उनको डिवाइड कर दिया। तो जो न्यूली कॉन्कर टेरिटरीज थी उनको छोटे छोटे यूनिट्स या प्रेसिडेंसी के अंदर डिवाइड कर दिया। तीन मेन प्रेसिडेंट जो इंडिया जो था इसको उन्होंने मेनली तीन प्रेसिडेंसी के अंदर डिवाइड कर दिया, बॉम्बे मद्रास एंड कलकत्ता। हर एक जो प्रेसिडेंसी थी उसके अंदर एक गवर्नर था और जो गवर्नर जनरल था वो सबसे सुप्रीम हेड था एडमिनिस्ट्रेशन का। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो सबसे फर्स्ट गवर्नर जनरल था ब्रिटिश इंडिया का। जो ब्रिटिश थे उन्होंने काफ़ी नए रिफॉर्म्स यानी काफ़ी सारे चेंजेस किए ब्रिटिश इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेशन था ब्रिटिश का उसके अंदर। उनका मकसद जो था वो ये था कि भाई किस तरीके से इंडिया के अंदर ब्रिटिश की जो पावर है उसको स्ट्रेंथ दी जाए। तो 1772 में उन्होंने एक नया जस्टिस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। उस जस्टिस सिस्टम के साथ में उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट जो है उसके अंदर जो कोर्ट्स थी उनको दो पार्ट में डिवाइड किया था, क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट। विद द हेल्प ऑफ द इंडियन मौलवीज एंड पंडित, जो इंडिया के जो मौलवी और पंडित थे इनकी मदद से वो लोग जो है इंडियन लॉज को इंटरप्रिटेट करने में और अपने हिसाब से उसको ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ करने के लिए उन्होंने करा। जो सिविल कोर्ट्स जो थे उसके अंदर इंडियन मौलवीज और पंडित की मदद लेते थे वो, और जो क्रिमिनल कोर्ट थे यहाँ पे भी काजी और मुफ्ती जो है वो सुपरवाइज करते थे उनके जो ब्रिटिश जो थे उन्होंने फिर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो अपॉइंट करने स्टार्ट किए। वो जो है सिटी के अंदर इस तरीके की चीज़ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है मेनली इन चीज़ों को देखते थे। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था, उसके थ्रू क्या हुआ एक सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश हुई और एक नया कोर्ट जो है अपील कोर्ट जिसको बोलते थे सदर निजामत अदालत वो कलकत्ता के अंदर इस्टेब्लिश हुई। जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था उसके अंदर कलेक्टर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिसर होता था डिस्ट्रिक्ट का। उसका काम रेवेन्यू कलेक्ट करने के साथ साथ में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी भी मेंटेनेंस करने का काम उसका होता था कि जो जिसमें डिस्ट्रिक्ट का वो कलेक्टर होता था उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर रेवेन्यू भी कलेक्ट करना और साथ ही साथ में लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना किसका काम था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसकी हेल्प के लिए जज पुलिस ऑफिसर्स जो है वो रहते थे। जो कलेक्टर का जो ऑफिस है उसको कलेक्ट्रेट बोलते थे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटर था अथॉरिटी का इंडिया के अंदर उस वक्त। आर्मी जो है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो जो कोर स्ट्रेंथ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वो थी इसकी आर्मी। इसकी मदद से ही उन्होंने जो है अपना रूल जो है इंडिया कितनी बड़ी टेरिटरी के ऊपर करना स्टार्ट किया था। जो कंपनी की जो आर्मी थी वो मुगल आर्मी से थोड़ी डिफरेंट थी। इसके अंदर जो भी लोग थे वो सारे प्रोफेशनल थे। ब्रिटिश जो इंडियन आर्मी थी ये इंटरनेशनल एक्सपीरियंस रखती थी क्योंकि ये बर्मा अफगानिस्तान इजिप्ट काफ़ी सारी जगहों पर जाके फाइट करके आई हुई थी। इनके जो वेपन्स थे वो भी काफ़ी न्यू थे जैसे मस्केट मैचलॉक्स। जो सोल्जर्स थे ब्रिटिश आर्मी के ये मतलब जो भी चेंजेस होते थे उन चेंजेस के साथ में कदम से कदम मिला के चलने वाले थे और नई नई टेक्नोलॉजीज जो है उससे भी इनको अवेयर रखा जाता था। तो इस तरीके से ब्रिटिश जो आर्मी थी वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। जो ब्रिटिश जो है इन्होंने एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर डेवलप किया इंडिया के अंदर जिसके अंदर जो सोल्जर्स जो थे उनको यूरोपियन स्टाइल के अंदर ट्रेनिंग देते थे और उनको डिसिप्लिन के अंदर रहना बताया जाता था। कास्ट और कम्युनिटी जो है उसकी जो फीलिंग्स थी यानी जो धर्म और समाज उससे ऊपर उठे हुए थे इनकी जो आइडेंटिटी होती थी वो प्रोफेशनल होती थी। लेकिन इसकी वजह से इंडिया के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी हो गई थी और ये भी एक रीज़न था क्योंकि जो कम्युनिटी वाला या रिलीजन वाला जो फैक्टर था यही एक सबसे बड़ा फैक्टर था 1857 के रेवोल्ट का जो कि इंडियन सिपाहीज ने किया था। ये चैप्टर फिनिश है आपका चैप्टर सेकेंड हिस्ट्री का। कोई भी क्वेश्चन हो डाउट हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।